उमर और रूडीज का ऑडिशन था, ठीक है, तो आई थिंक सेकेंड सीजन था. सेकेंड सीजन? हाँ सर, नहीं मेरा सेकेंड. अच्छा, तो 2016 की बात होगी. तो एक सीज़न हो गया है, तो अब लोगों को पता चल गया है कि रोडीज़ में जो चेंजेस आई वो क्या हैं. ठीक है, तो एक सीज़न में हमने अच्छा किया है, रन तो है ही है, रन का तो है ही है वो शो. तो सेकेंड, जब मेरा सेकेंड सीज़न था ना, इस बार मैंने कहा था भाई इस बार जो मर्जी हो जाए मैं जीत के ही रहूँगा, मैं जीता वो सीज़न. ऑब्वियसली करेंगे तो कंटेस्टेंट ही, लेकिन दिमाग तो हमें लगाना पड़ेगा. तो चंडीगढ़ की बात है, चंडीगढ़ में ना बहुत बड़ा एक वो है, हॉल है जहाँ पे वो बहुत कुछ होता है. मतलब कम से कम मेरे हिसाब से कुछ 2,500 लोग होंगे अंदर. बाहर तो बहुत थे. मैंने 12,000 का भी क्राउड देखा हुआ है कलकत्ता में. मैंने 12,000 लोगों को मेरा नाम चांट, मतलब बोलते हुए सुना है. मतलब वो आप स्टेज पे हो ना, वो अनाउंस करते हैं कि मतलब आपका एक ऑडियो विजुअल से चलता है. करण कुंडला विशाल और उमर के साथ बैठे हैं और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे वे रोडीज में गए और जब उन्हें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, तब वे अंदर करीब 2000 से 2500 लोग थे और बाहर 12,000 करीब लोग होंगे. चंडीगढ़ में जब वे अपना ऑडिशन देने गए थे तब वे बेहद नर्वस थे और थ्रिल भी थे, लेकिन मज़ा आया जब लोगों को अपना नाम बोलते हुए उन्होंने सुना और ये एक बेहद बड़ा एक्सपीरियंस था उनके लिए.